अगर थोड़ा सा भी आपने रोका तो टो कर ले जाएंगे। तो ऐसे तो ये चश्मा सुमित का है। हाँ ठीक है, लेकर आएंगे। ठीक है बताओ सुमित, अब क्या करना है बताओ। चलो अंडा खिलाओगे? हाँ हाँ चलो बताओ। आमलेट अच्छी लग रही है। चलो थैंक यू। कल बताया था आपको कि अपोलो जाना है कुछ काम से, तो हम लोग अपोलो पहुंच गए हैं। नहीं वो उठा ले जाते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे तो उठा ले जाएंगे। क्या हुआ सुमित? सटा दिया है, एकदम सटा दिया। हम लोग के इधर भी सटा दिया है। ये लोग बड़ा बुरा चलाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, इनका कोई बोले कि एकदम टच होने वाला है, ये एकदम सटा दिया है। और ये हम लोग को जाना है बदनाम लड्डू। अब सुमित नाश्ता, भूख लग रही है तुम्हें? भूख नहीं लग रही दोस्त, पर टाइम हो गया है, कुछ खा लेना चाहिए। तो हम लोग का अपोलो का काम तो हो गया है। हाँ। और 50%, बट एक्चुअली वो मेरी डॉटर भर्ती थी दिसंबर में, तो उसका जो है कैशलेस नहीं हो पाया था। बता दें आप लोग को कि स्टार हेल्थ से हमारा पॉलिसी था, तो उसमें कैशलेस नहीं हुआ था। बाद में रीएम्बर्स क्लेम हो रहा था, उसी का कुछ पेपर्स था जो मिसिंग था, तो वही डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेने लखनऊ आए थे। ये ट्रांसपोर्ट नगर का वो है ना, मेट्रो, ये मेट्रो है ना, ट्रांसपोर्ट नगर का स्टेशन। यही प्रॉब्लम है कि बार बार ये रेड लाइट, बार बार रेड लाइट। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हम लोग कितनी रेड लाइट, मतलब कम से कम 5 हो गए। 5 रेड लाइट, 5 रेड लाइट पे हम लोग अवध से लेके शहीद पथ जहाँ पे स्टार्ट होता है, 5 रेड लाइट अवध से लेके शहीद पथ। क्या बोल रहे थे तुम, TCS क्या बता रहे थे? मैं क्या बोला हूँ कि TCS इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है स्ट्रेंथ में। हाँ। सबसे बड़ी रेलवे आती है, रेलवे के बाद दूसरे नंबर पे TCS आती है। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि तुमको कुछ हो जाएगा तो? हमको कुछ हो जाएगा तो हमारी जो है सुरक्षा TCS करेगी, क्लेम मेडिकल पॉलिसी TCS की, इंडिया की सबसे बेस्ट मेडिकल पॉलिसी है। अच्छा, किसी भी कंपनी में इतना मेडिकल सम इंश्योर्ड और इतना एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनी कोई नहीं है। अच्छा, जितना TCS है, जितना TCS है आज भी। अच्छा, रतन टाटा, टाटा ने जो दे दिया वो कोई नहीं दे सकता। ड्राइवर ने पैसा बर्बाद कर रहे देश का। असल में सब सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, जैसे भाभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये बोल नहीं सकते ना, इसीलिए नहीं। ये तो है कोई काशीराम वाला, लेकिन वो हाथी वाली मूर्ति वाला तो अलग। अच्छा, वो तो अलग है, वो अलग पड़ता है। तो जगह जगह हाथी। फ्लाईओवर टाइप का नहीं, ये है रिंग रोड लखनऊ की, जो ये अयोध्या और उधर निकल जाएगी। और दूसरा चीज ये कि जो है इसी पे, यहाँ पे आगे देखो राइट साइड में स्टेडियम जो बनवाए हैं वो अभी आएगा। और ये रिंग रोड है लखनऊ की। रिंग रोड एक फ्लाईओवर है? नहीं, ये रिंग रोड है भाई, ये निकाल देगी तुम्हें उधर दिल्ली अयोध्या इधर सब, ये कनेक्टिंग है। आगे जब क्रॉसिंग आएगी ना, तिराहा है वो। हाँ, मुझे आया नहीं। और ये काफी डेवलपमेंट है लखनऊ में। मुस्लिम मकान लग रहा है ये, देखो सुमित स्टेडियम आ गया वो। अच्छा। तो सामने स्टेडियम है, क्रिकेट यहाँ पे हुआ है, कई मैचेस हो चुके हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स सिटी देख रहे हो, ये स्टेडियम है अभी यहाँ। और अब है ना, आइनॉक्स, आइनॉक्स सब है। फिनिक्स, फिनिक्स बैंगलोर का है। क्या
कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। अब ये कार सर्विस सेंटर टाइप का है जहाँ पॉलिश वगैरह होती है, और नाम डिटेलिंग माफिया, और कोई नाम ही नहीं मिला इनको, माफिया वर्ड ऐड कर दिया डिटेलिंग माफिया। तो बताओ, हाँ अच्छी लग रही है। चलो थैंक यू। हाँ ठीक है, लेकर आएंगे, ठीक है। चलो बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट। चले भाई, ओके ओके भाई। कितना बजा है सुमित? अभी बज रहा है 4:30। 4:30, और तुम क्या बोल रहे हो, कितने बजे तक पहुंचेंगे इलाहाबाद? अभी हम लोग जो है शहीद पथ पे है, शहीद पथ पे, ठीक है। यहाँ से 203 किलोमीटर है। 203 किलोमीटर का एग्जैक्ट दिखा रहा है। लगता है 203 किलोमीटर कवर करने में कम से कम 4 घंटा मिनिमम लगे। तो तुम्हारे हिसाब से कितने, मुझे लगता है कि 9 बजे तक हम लोग पहुँचे। नहीं तो तुम्हारे हिसाब से कितने कितने बजे तक हमको पहुँचना चाहिए? 9 बजे तक। 9 बजे, और अभी बज रहा 4:30। अगर 3 घंटा मान ले तो होता कितना देर? 3 घंटा अगर मान ले तो होता है आपका 7:30। 7:30, 7:30 तो क्या 7:35। और मान लो हम बोले कि 7 बजे पहुंच जाएंगे, तो तुम क्या कहोगे इस पे? हम कहेंगे हमको बस करा दो। तो तुम बस पे जाओगे? अब तुम 2.5 घंटे में पहुंचाओगे तो उससे अच्छा है कि हम बस से जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब आराम से, धीरे धीरे चलो। हाँ आराम से चलते हैं, तो पहुंच जाएंगे अपना 9 बजे तक, 8:30-9 बजे। वो तो ठीक है, मगर तुमको क्या मतलब, कल आए हो तो डर लग रहा था, मतलब कल तो 70 पे आए हम लोग। हाँ वही 70-80 वाली स्पीड सही है। अब 2.5 घंटे में तो पहुंचने का मतलब 100 के ऊपर नहीं, लगातार बनी रहे। हाँ लगातार, नहीं तो 104, जहाँ मौका मिले वहाँ 140-150-160-170-180 आदमी दाबता चला। लेकिन जैसा कि तुमने भी मुझे पहले बताया है कि थार जैसी गाड़ी में 80 की स्पीड जो है वो सेफ है। हाँ बिल्कुल, 80 के ऊपर सिर्फ इसका ब्रेक सिस्टम जो है, जो कि भारी गाड़ी है, टायर भी बड़ा है, बॉडी भी है, तो बॉडी रोल भी है, और फोर व्हील ड्राइव है, इसलिए 80 सेफ स्पीड। हाँ 80 सेफ है, क्योंकि ब्रेकिंग इसका जो है हमने देखा है, ब्रेकिंग जो है बहुत मतलब खराब है, और जो है मतलब जैसे लगता है नकली ब्रेक लगे हुए हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने व्लॉग्स में बोला है कि नकली ब्रेक लगे हुए हैं। नकली नहीं लगे हुए हैं, वही नकली समझो, क्योंकि ब्रेक लगती नहीं है इसमें, मतलब अगर आप जो है इमरजेंसी ब्रेक मारना चाहेंगे तो वो नहीं लगेगी फिर जो है, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि जो है ये जो है 2-डोर है, तो इसमें जो है आपका प्रॉब्लम, ये मैं इसको ड्रॉबैक नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो इसकी फंक्शनल है, पर्सनैलिटी 2-डोर तो आपको पहले से पता है। ये थार का वर्जन ही 2-डोर है। हाँ ये है कि जो ये थार वर्जन ही 2-डोर मतलब है ही है, थार 2-डोर वाली। अगर आपको 4-डोर चाहिए तो 4-डोर भी अवेलेबल है मार्केट में। अब आने वाली, अभी अवेलेबल नहीं है, आने वाली लॉन्च हो रही है, लॉन्च हो रही है ना। और ये देखिए स्टेडियम, सुमित तुमको दिखा रहे थे ना उस साइड से आ रहे थे हम लोग, जो ये लाइट्स लगी हुई है स्टेडियम पूरा जो है, यहाँ पे कई मैचेस हो चुके हैं। लाइट बड़ी सही लग रही है पूरा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। हाँ लाइट लगी है सही। क्या बोल रहे थे तुम? प्लाजो के लिए मैं यही बोल रहा था कि फिनिक्स मॉल है, फिनिक्स आईनॉक्स, बैंगलोर में भी सेम कंसेप्ट पे मॉल बना हुआ है, जहाँ पे फिनिक्स आईनॉक्स 2-3 मॉल को जोड़ के, दिल्ली में भी हमने ऐसा देखा है। अच्छा लासियो है, कई मॉल को जोड़ के एक बड़ा मॉल। अच्छा तो इसमें कई होते हैं, कई ब्रांड्स हैं, और अभी हम आगे देखेंगे अपने एशिया का सबसे बड़ा मॉल लुलू मॉल। अभी आपको लुलू मॉल दिखाते हैं। क्या बोल रहे थे उसमें? क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि लुलू मॉल अगर आपको कवर करना है तो 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है, इतनी ज़्यादा मार्केट है, फ्लोर्स हैं, कि एटलीस्ट 2 दिन पूरा कवर करने चाहिए। 1 दिन अगर आप कवर करना चाहेंगे
तो पूरी तरीके से कवर भी नहीं हो पाएगा और एक थकावट भरा रहेगा। तो क्या अभी का क्या प्रोग्राम है कि जो है चलना है सीधा ना? अभी तो हमें सीधा इलाहाबाद चलना है। अब सुमित बोल रहे हैं कि जो किसी और दिन हम आके लुलु मॉल घूमेंगे, मगर बाहर से तो दिखाते हैं। हाँ बाहर से हम दिखाते हैं। चलिए ठीक है, ये है आपका लुलु मॉल और पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे। हम लोग रुक नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि हम लोग को पहुँचना है, कुछ काम है, जल्दी जाना है, तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाते हैं आपको। ये देखिए आगे लुलु मॉल, आगे करो वो पेड़ नहीं आएगा ना। हाँ अच्छा, ये आपका लुलु मॉल और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। ये गाड़ी रोक नहीं सकते, नहीं गाड़ी से तुरंत जो है ये देखिए टो करके ले जा रहे हैं। ये देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपने रोका तो टो करके ले जाएंगे तुरंत। ठीक है, फिर कभी इसका व्लॉग बनाएंगे, आएंगे कभी, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी हम लोग को है, तो जो हम लोग को निकलना होगा। गूगल बाबा पे कभी विश्वास मत करिएगा क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है। अभी हम लोग को देखिए कहाँ, पता नहीं कहाँ कौन सी गली में गुजर दिया है, ये हमेशा जो है डिस्टर्ब करता है। गूगल पे कभी विश्वास नहीं। अगर आपको रोड पता है तो अपने से चलिए। ये देखिए आप जो है, ये बच्ची सो रही है और ये आंटी जो है गाड़ी चला रही है, देखिएगा। ये देखिए बच्ची सो गई और जो आंटी गाड़ी चला रही है। मैडम ये कर रही थी बच्चे को आगे बैठा के, सो रहा है, गिर भी सकता था सुमित। बिल्कुल गिर सकता था, ये बहुत ही रिस्की था क्योंकि वो धीरे नहीं चल रही थी और काफी स्पीड में 360 की स्पीड के साथ, तो उनकी स्पीड 60 की स्पीड। हाँ तब 60 की स्पीड एक्टिवा जैसी गाड़ी स्कूटी में, बच्ची आगे खड़ी है, सो रही है, लुढ़क रही है, कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अरे बच्चा, हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या मतलब ये सब चीजें। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस तरीके की गलती ना करें और इन सब चीजों से बचे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। बच्चा सो गया है और चला रही है वो, बताओ डिस्टेंस कवर किया तुमने, तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं है ना? नहीं बुरा तो है ही नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ अगर हम लोग चार लोग होते तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता, अनकम्फर्टेबल होता, सामान रखने का भी थोड़ा प्रॉब्लम होती, क्योंकि अभी हम लोग ने ये जो अपना फ्रीजर जो है, ये फ्रीजर रखा हुआ है, ये जो है हम लोग ने यहाँ सीट पर रखा क्योंकि वो पीछे डिक्की में आ नहीं रहा है, तो ये फ्रीजर वगैरह हम लोग का जो यहीं रखा हुआ है। बताओ सुमित अब क्या करना है, बताओ। चलो अंडा खिलाओगे? हाँ हाँ चलो। आमलेट विद बॉयल जो खाना था, विद वो की मोमोज? हाँ हाँ सब कुछ। गाड़ी बढ़ाओ, वो तड़को खिलाएंगे यहीं पे, स्विगी से डिलीवरी कराएगा, जोमेटो यहीं मंगवाओ। वैसे तो ये चश्मा सुमित का है, बट कमेंट करके बताइए कि जो है ये मेरे फेस पे कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है। क्यों सुमित? थोड़ा बड़ा है तुम्हारे, थोड़ा बड़ा है चेहरे पे, दो साइज़ दिख रही है। अबे तो बड़ा चश्मा तो जो है वो बहुत ढकता ही है, क्या यहाँ लगा लें क्या यहाँ? ऐसे जैसे हमको देखो, हम जब पहनेंगे तब तुम देखना। चलो लो पहन के दिखाओ, चलो पहन के दिखाओ, चलो। अब देखिए, अब ये जो है ना ये ऐसे आया। हाँ तो तुम्हारी बहुत दिख रही है। हाँ तुम्हारी बहुत दिख रही है, कहाँ दिख रही है तुम्हारे में? ये चीज जो है ना यहाँ पे आ गया, ऐसे आया। अच्छा तुम्हारा मोटापा है ना बेटा? बब्बर शेर वाला, बब्बर शेर। जैसे अब मेरी ड्राइविंग के बारे में कुछ बताओगे कि मतलब तुम्हारी ड्राइविंग बहुत सेफ है, तुम चौतरफा नजर देखते रहते हो, जैसे मैं कभी देखता हूँ अरे सामने। हाँ तो हमने कल जैसे कल जैसे एक चीज हुआ, जैसे कल हुआ था, हमने ब्रेक मारा, तुमने बोला कि क्यों ब्रेक मार दिया, तो तुम सामने देख रहे थे, हम मैं पीछे वो साइड में देख रहा था, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला अगर सामने आता तो जो हो सकता था कि कुछ हादसा हो सकता था। बिल्कुल, तो तुमने बोला कि क्यों ब्रेक मारा था, हमने तुमको दिखाया था, तुम समझे कि जो है हाँ वो हो सकता था कुछ। सही, तो
हमेशा सेफली चलिए। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमेशा सेफ रहिए और जो है स्पीड में नहीं, स्पीड तो जो है वो जानलेवा होती है, धीमे धीमे आराम से जो है आप चलेंगे, आपको जो है इंजॉय करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, धीमे चलेंगे सेफ रहेंगे। कुंदन और ये मतलब एरिया कौन सा लगता है? रायबरेली है ना, कभी आइएगा तो ये कुंदन, ये क्या कुंदन ना, कुंदनगंज है, तो जो यहाँ पे आप आइए तो चाय देखिए, हम लोग अपने ग्लास में चाय लिए हैं और जो ये उस हिसाब से पिलाते हैं कि जो अपना ग्लास में भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे वो, कभी आइए तो यहाँ पे पी के देखिएगा, चाय तो महक तो अच्छी आ रही है, बट देखते हैं पी के बताएंगे आपको कैसी लग रही है। लो ले आइए रायबरेली कुंदन, ये ढाबा है, कहाँ पड़ता है एग्जैक्ट, कहाँ पड़ता है भैया? कुंदनगंज है। आशीष ये इसको पी के देखो जरा एक बार, अब बताओ टेस्ट कैसा है, थोड़ा पी के देखो। बहुत अच्छा। अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छा है यार, ठीक है। Free.